हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रकाश यानी कि लाइट के बारे में। और ये हमारा एडेड जूनियर एग्ज़ाम जो भर्ती परीक्षा होने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार फिर वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक जो है वो प्रकाश से संबंधित है, तो यानी कि प्रकाश के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा, अपारदर्शी वस्तु क्या होता है। ठीक है, अपारदर्शी वस्तु तो वह वस्तु जो अपने से होकर प्रकाश को जाने नहीं देता। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे मान लो दीवार है, ठीक है, आप टॉर्च से यहाँ पर लाइट को जलाते हो तो जाहिर सी बात है टॉर्च का जो लाइट है ना वो यहाँ जाएगी और रुक जाएगी, आगे एंट्री नहीं कर पाएगी। तो इसलिए दीवाल क्या हो जाएगा, ये हमारा अपारदर्शी वस्तु हो जाएगा। उसी प्रकार लकड़ी, पुस्तक, ठीक है, ये सभी वस्तुएं क्या हैं, अपारदर्शी वस्तुओं की श्रेणी में आ जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा पारदर्शी वस्तु। ठीक है, तो जो अपारदर्शी नहीं है यानी कि जो अपने से अंदर होके प्रकाश को जाने देती, यहाँ नहीं जाने देती थी, अब जाने देगी, वो क्या हो जाएगी, पारदर्शी वस्तु हो जाएगी। तो जो प्रकाश को गुजरने देती है उसे हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कांच, कांच में आप टॉर्च जलाओगे तो प्रकाश जो है आर पार चली जाएगी। ठीक है, पानी में भी आप कर सकते हो। तो शीशा, ये तीनों जो हैं वो क्या हो जाएंगी, पारदर्शी वस्तु हो जाएंगी। ठीक है, एक आती है पराभासी वस्तु। तो देखो, जिसके अंदर पारदर्शिता और अपारदर्शिता दोनों का गुण होता है उसे पराभासी वस्तु कहते हैं। या फिर दूसरों शब्दों में कह लो कि प्रकाश के कुछ भाग को ये अपने से होकर गुजरने देती है, उसे हम क्या कहते हैं, परभासी वस्तु कहते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, तो एग्जांपल आप देखोगे जैसे अगर मान लो कोई कागज़ का टुकड़ा है और इस पर आप क्या कर दो, ऑयल गिरा दो। ठीक है, तो ऑयल गिराने से ये भीग जाता है और आप देखोगे कि ये हल्का सा पारदर्शी वस्तु हो जाता है। ठीक है, तो तेल लगा कागज़, फिर पन्नी, जो हमारी पन्नी आती है पॉलीथीन, ये सभी एग्जाम्पल है किसके, परभासी वस्तुओं के, यानी कि इससे कुछ ना कुछ प्रकाश होके गुजरती रहेगी। फिर आती है छाया। देखो जैसे दीवार है, अगर दीवार से प्रकाश नहीं गुजर रही है, मैं इसको मिटा देता हूँ, अगर दीवार से प्रकाश नहीं गुजरती है दूसरे तरफ तो इसकी छाया बनना शुरू हो जाती है इसके पीछे के तरफ। ठीक है, इसे ही कहते हैं छाया। ठीक है, यानी कि प्रकाश के मार्ग में अगर कोई वस्तु आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं, और वहाँ छाया बनना शुरू हो जाती है। दीप्त पिंड या फिर वस्तु क्या होती है, तो देखो जो सूर्य की तरह स्वयं के प्रकाश उत्सर्जित करे उसे हम दीप्त पिंड कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी जलती हुई चीज़ दीप्त पिंड होगी जो प्रकाश उत्पन्न कर सकती है, जैसे विद्युत बल, मोमबत्ती, टॉर्च और सूर्य। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है पर्दा। देखो अभी जो हम वस्तु को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसको देखने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, तो उसे ही हम पर्दा कहते हैं जिस पर हमारी क्या होती है, छाया बनती है। ठीक है, दर्पण और परावर्तन के बारे में समझ लेते हैं। दर्पण जो होता है वो मुख्यतः किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, दर्पण जो है दो प्रकार का होता है, पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोली दर्पण। समतल दर्पण वह है जैसे कि आप चेहरा देखने के लिए जो इस्तेमाल करते हो, ठीक है, या फिर सैलून में जब बाल कटवाने जाते हो तो उसमें भी हम क्या करते हैं, जब अपना फेस देखने की कोशिश करते हैं फिर बाल को देखते हैं, वो वाला जो है वो हमारा समतल दर्पण का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण होता है। अब बात करते हैं कि समतल दर्पण मुख्य रूप से अगर हम उसकी विशेषताओं को देखें तो उसके आधार पर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा दर्पण जो है वो समतल दर्पण है। देखो जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, परावर्तक पृष्ठ कहने का मतलब है जहाँ से प्रकाश लौट के वापस आ जाए, ठीक है, अगर वह समतल है और वह वस्तु के समान और बराबर दूरी पर प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी कि अगर कोई दर्पण है, ठीक है, और उसके सामने कोई बालक खड़ा है, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब इस मिरर में सेम बने, ठीक है, और इस जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी पर पीछे की तरफ वो मतलब कांच में उतना दिखे, तो बराबर दूरी पर प्रतिबिंब बने, वो कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण। ठीक है, उदाहरण आपने देख ही लिया। दूसरा एग्जाम्पल है गोलीय दर्पण का, तो इसमें परावर्तक पृष्ठ जो है वो वक्राकार या फिर गोलीय होता है, ठीक है, जैसे इस कर्व का, तो ये जो है वो गोलीय दर्पण का उदाहरण। इसमें दो तरह के दर्पण होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार भी आप देख चुके हैं। तो ये था एग्जाम्पल दर्पण का।
अब हम कुछ प्रश्न को देख लेते हैं जो कि आपके बुक में दिए गए थे, या फिर आपको ऑप्शन के तरह दे सकते हैं। देखो, ये जो है ना एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, तो आप वहाँ भी क्वेश्चन को देख सकते हो। कहा गया है कि अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके ऐसा वाक्य बनाइए जिसे हम अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती हो। तो ध्यान दीजिए, अपारदर्शी वस्तु छाया बनाती है। तो यहाँ देखो, यहाँ पारदर्शी दिख रहा है, इसमें अ लगा दो, अपारदर्शी बनाती है वस्तुएं, और यहाँ है या छा, तो छाया हो जाएगा। तो अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा, अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दी गई वस्तुओं में पदार्थों की पारदर्शी, अपारदर्शी, परभाषी, दीप्त एवं अदीप्त का वर्गीकरण करना है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ शब्द हैं। तो इसमें अपारदर्शी जैसे चट्टान का टुकड़ा, एल्यूमिनियम शीट, दर्पण, लकड़ी, तख्ता, सीढ़ी, लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, छाता, प्रकाशमान, प्रदीप्त नलिका, दीवार, कार्बन की शीट, गैस बर्नर, ज्वाल ज्वाला, गत्ते की शीट, प्रकाशमान टॉर्च, मिट्टी के तेल स्टोव, सूर्य, जुगनू, चंद्रमा, ये सभी क्या हैं? अपारदर्शी हैं। पारदर्शी जिसके आर पार देख सकते हैं, हवा पानी में आर पार देख सकते हैं। परभाषी पॉलिथीन शीट, धुआं, समतल कांच की शीट, कोहरा, सोलोफिन शीट और तार की जाली, ये सभी क्या हैं? परभाषी हैं। दीप्त में जो जले, लाल तप्त लोहे का टुकड़ा, प्रकाशमान दीप्तिका नली, फिर गैस बर्नर का ज्वाला, प्रकाशमान टॉर्च, सूर्य, जुगनू, चंद्रमा, ये सभी क्या हैं? दीप्ति हैं। तो अदीप्त इसका ठीक विपरीत वाला गुण, तो आप यहाँ छाट सकते हैं आसानी से, मैं इसको नहीं पढ़ने वाला हूँ। चलो देखो, तीसरा क्वेश्चन है, क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए। तो ज़रा एक ऐसा शेप में, कोई गोलाकार शेप में लो, ठीक है, और ये कुछ ऐसे लंबाई में दिखे, जैसे आप पाइप ले सकते हो। तो पाइप में जब आप इधर से देखोगे तो ये क्या होगा, इसकी छाया दीवार पे गोल बनेगी, ठीक है। लेकिन जब साइड से देखोगे तो इसकी छाया इस वॉल पर एक आयत के रूप में बनेगी, जैसा यहाँ इमेज में दिखाया गया। ये वस्तु है, इसमें इधर से देखने पर इसकी छाया गोल बनी है, और साइड से देखने पर इसकी छाया दीवार पर ऐसे आयताकार बनी है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपना चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो आप क्या दर्पण में अपने परावर्तन को देख पाएंगे? तो नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, और अंधेरे कमरे में प्रकाश मौजूद ही नहीं होता। फिर कह रहे कि प्रकाश का मार्ग कैसा होता है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का मार्ग सीधा होता है, अर्थात यह सरल रेखा में गमन करती है। ऑप्शन बना सकता है प्रश्न को। एक दीप्त वस्तु उदाहरण है मोमबत्ती, क्या होगा जब प्रकाश नहीं होगा? प्रकाश नहीं होगा तो वस्तुएं दिखाई ही नहीं दे पाएंगी। एक अंधेरे कमरे में रखी वस्तु दिखाई क्यों नहीं देती है? तो देखो, अंधेरे कमरे में प्रकाश होता नहीं है, और प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश का परावर्तन होता है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो वस्तुएं दिखाई ही नहीं देंगी। किस प्रकार की वस्तुओं की छाया बनती है? तो देखो, जो हमारी अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं, यानी कि जिनके आर पार प्रकाश नहीं जा पाती, उसी की छाया बनती है, ठीक है। तो अगली जो प्रश्न है वो है, सूची छिद्र कैमरा का उपयोग कहाँ होता है या उपयोग है? तो सूची छिद्र कैमरे का उपयोग किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। हमें सूर्य तथा सूर्य की प्रतिबिंब सीधी क्यों नहीं दिखाई देती? तो देखो, सूर्य का प्रतिबिंब सीधी इसलिए नहीं देती क्योंकि सूर्य के प्रकाश के साथ जो विकिरण आती है ना, वो हमारी आँखों को खराब कर दे सकती हैं, इसीलिए वो प्रतिबिंब जो है वो सीधी नहीं दिखाई देती। प्रकृति में बनने वाले एक सूची छिद्र कैमरे का उदाहरण दीजिए। तो देखो, पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उनके बीच में जब प्रकाश गुजरता है तो पेड़ों के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। जिस छिद्र से यह प्रकाश निकलती है, सूची छिद्र कैमरे की भांति ही ऐसा वो कार्य करता है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो देखो, जब किसी वस्तु से प्रकाश आए और टकरा कर हमारी आँखों पर पड़ती है तो हमें क्या होता है, ये वस्तु हमें दिखाई देती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसमें मान लो ये एक नॉर्मल है, तो जिस एंगल से आता है उसी एंगल से चला जाता है, यही प्रकाश का परावर्तन है। एक वस्तु का उदाहरण दीजिए जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। तो भैया, दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। तो ये था हमारे वीडियो का एंड। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। वीडियो ना भी पसंद आए तब भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, ताकि हम अपने वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।